नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं जेनेट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की कुछ फोक पेंटिंग के बारे में चर्चा हो रही थी, उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। और आगे हम जो चर्चा करते हैं इस फोक पेंटिंग में, और वह जो है आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कागज पर बनाए गए जो चित्र हैं उनके बारे में। दोस्तों, कागज पर जो चित्र बनाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। उनको यहाँ पर सामान्य रूप से जो कहा जाता है दोस्तों, पाने के नाम से उनको पुकारते हैं। पाने क्या होते हैं दोस्तों? आप अक्सर दीपावली के समय पर सुनते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी आती है, लक्ष्मी जी का जो दीपावली का त्यौहार जो आता है, तो उस समय लोग बाग कहते हैं पाने ले आना लक्ष्मी जी का। तो कहने का मतलब वो कागज का वो टुकड़ा जिस पर वो देवी देवता का जो चित्र बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि कागज के टुकड़े पर लोक देवी देवताओं के बनाए गए चित्र ही क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। तो लोक देवी देवताओं के जो चित्र हैं वही क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। लोक देवी देवता जो हैं, इन लोक देवी देवताओं के जो चित्र हैं, देवी और देवता जो हैं, इनके जो चित्र हैं दोस्तों, उनको जो कहा जाता है वह पाने के नाम से जो है पुकारा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय जो पाने जो रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय जो पाने रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के श्रीनाथ जी जो हैं, इनका जो पाना जो रहा है, श्रीनाथ जी जो रहे हैं, श्रीनाथ जी का पाना जो रहा है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है राजस्थान में। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी जी जो हैं, इनका जो पाना जो रहा है ये सर्वाधिक दूसरे नंबर पर फेमस रहा है। तो पहले नंबर पर तो आता है राजस्थान में लोकप्रियता में श्रीनाथ जी का पाना दोस्तों, और सेकंड नंबर पर जो आता है वह जो आता है आपके लक्ष्मी जी का पाना। तो ये जो है आपके कागज पर निर्मित चित्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में एक और जो है हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, और वह जो चर्चा जो रहेगी वह हम बात करते हैं आगे लकड़ी पर निर्मित चित्रों की। लकड़ी पर निर्मित चित्रों की हम बात करें दोस्तों, लकड़ी पर जो चित्र बनाए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से चित्र रहे हैं जो लकड़ी के ऊपर जो है बनाए गए थे। दोस्तों, उनमें हम सबसे पहले बात करें ये बेवाण की। बेवाण क्या होता है? एक्चुअल में आप यहाँ देख रहे हैं एक लकड़ी का ये बॉक्स जैसा ये मंदिर है, इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें क्या होते हैं कि ये फोल्डेड दरवाजे होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ तक ये बना हुआ है, यहाँ तक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ऐसे ये एक्चुअल में इसमें दरवाजे लगे रहते हैं। इस प्रकार ये फोल्डेड, ये जो है एक में से दूसरा खुलता जाता है। जैसे इसको यहाँ फोल्ड किया, इसको यहाँ फोल्ड किया और इसमें सेट कर दिया, इधर से इसको फोल्ड किया, इसको ऐसे, ये ऊपर भी इसमें दरवाजे हैं, इनको भी जो है ऐसे, इनको ऐसे लास्ट में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो दोस्तों इस प्रकार यहाँ आप देखेंगे, इस प्रकार के जो बन जाता है यहाँ पर, ये ऐसा रहता है बिल्कुल, जब पैक रहता है यहाँ पर बिल्कुल, ये दरवाजे यहाँ पर ये सेट हो गए दोस्तों यहाँ इस प्रकार से। अब इसको खोला जाता है तो ऐसे फैल जाता है ये। तो दोस्तों, ये लकड़ी का ये जो बना हुआ ये जो चौकोर बॉक्स नुमा जो मंदिर है, लकड़ी का बना चौकोर बॉक्स नुमा जो मंदिर है, इसी को जो कहा जाता है बेवाण। दोस्तों, इसको जो कहते हैं ये मिनिएचर वुडन टेम्पल भी इसको कहा जाता है, इसको मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी इसको जो है पुकारा जाता है। मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी दोस्तों इसको जो है पुकारते हैं, यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके इसको, तो मिनिएचर वुडन टेम्पल, मिनिएचर मीन्स छोटा रूप और वुडन मीन्स लकड़ी का और टेम्पल मीन्स मंदिर का, मीन्स लकड़ी का बना छोटा चौकोर बॉक्स नुमा मंदिर ही क्या कहलाता है दोस्तों? बेवाण कहलाता है। इस बेवाण की बात करें तो इसमें 5 से 7 ऐसे कुछ ये दरवाजे लगे रहते हैं, यहाँ ये देख रहे हैं आप, इन दरवाजों पर दोस्तों किसी लोक देवता के चित्र बने रहते हैं। इसमें लोक देवता जो है, इस लोक देवता के यहाँ पर चित्र बने रहते हैं इस दरवाजे जो है इनके ऊपर। इसकी बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस बेवाण का निर्माण का जो सेंटर जो रहा है आपके राजस्थान में, इसके निर्माण का जो केंद्र रहा है दोस्तों, वह रहा है बस्सी। बस्सी दोस्तों दो हैं, ये जो बस्सी है ये चित्तौड़ वाली बस्सी, ये चित्तौड़ जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो बस्सी है वहां का ये जो है आपके बेवाण फेमस है। इसकी बात करें तो दोस्तों ऐसा मानते हैं कि इस बेवाण को कावड़ जो है, कावड़ जो है, ये कावड़ की बात करें तो दोस्तों ये क्या होती है कि एक ऐसे लकड़ी पर यहाँ पर ये 3 रस्सियाँ इस प्रकार से ऐसे बंधी रहती हैं। देखा होगा सावन के महीने में कावड़ ले जाते हुए लोगों को, तो ये जो 3 रस्सियाँ जो लगी रहती हैं, तो इनमें यहाँ पर ये जो है आपके ऐसे जो है ये
रख दिया जाता है, एक बेवान इधर रख दिया और एक बेवान इधर रख दिया। इसको यहाँ ऐसे कपड़े के जो है ढक दिया जाता है, इस प्रकार से इसको कपड़े से ढक दिया जाता है। अब इसको कंधे पर रख करके और इसको जो है ये कह सकते हैं पुरुष जो है इस प्रकार से इसको आपके कंधे पर रख करके और इसको गांव-गांव जो है भ्रमण करते हैं। पुरुष जो है ये जोगी जो होते हैं ये इसको जो है लेकर के गांव-गांव भ्रमण करते हैं। जोगी जो होते हैं ये इसको गांव-गांव ले जाते हैं दोस्तों, और वहां गांव-गांव ले जाकर के और ये इनको पता रहता है कि कौन सा घर किस देवता का अनुयायी है। तो जिस देवता से जुड़ी हुई इनके पास में फड़ है, ये सॉरी ये जो बेवाण है, जैसे यहाँ पर बात करें तो ये जो आपके जो बेवाण जो है जैसे तेजाजी का है, तो तेजाजी से जुड़े हुए जो भी घर हैं उनमें ये जाएंगे वहां पर। और तेजाजी से जुड़े हुए घरों में जब ये जाएंगे तो वहां पर ये जो है ऐसा मानते हैं कि वहां जाकर के इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर ये पर्दा है इसको हटाएंगे और फिर उसके बाद में एक एक पलड़े को ऐसे फैला देंगे जैसे यहाँ पर ये फैल रहा है। तो अब गांव घर के जितने भी मेंबर हैं वो आएंगे, दर्शन करेंगे और उसको नमस्कार करेंगे और जो भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर अनाज पैसा चढ़ा देंगे और फिर वहां से वो उसको समेट करके आगे बढ़ लेता है। तो ऐसे इसका जो है प्रचलन है ये बेवाण का। बेवाण से ही आगे चलकर के दोस्तों आपने देखा होगा एक ढोला निकलनी एकादशी आती है, जलझूलनी एकादशी कहते हैं उसको। जलझूलनी एकादशी के समय भी आपने देखा होगा एक छोटा सा बॉक्स नुमा एक मंदिर रहता है जिसमें जो भी आपके मंदिर में देवता हैं या मूर्तियां हैं प्रतिमाएं हैं भगवानों की, उन प्रतिमाओं को उसमें विराज करके और लोग बाग उसको अपने कंधे पर विराजमान करके और फिर जो है नाचते गाते हुए कोई गांव के बाहर जल स्रोत तक जाते हैं और वहां उनको नहला धुला करके वापस ले आते हैं। तो जो वो बॉक्स जो है ना लकड़ी का, वह भी बेवाण के नाम से ही जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसी का ही वो परिवर्तित रूप है, यूं कह लीजिएगा। बेवाण विमान से बना है, विमान मींस एरोप्लेन, उड़ता है जो। तो इसमें क्या है कि मंदिर एक तरह से अधर चल रहा है, वहां भी अधर जा रहा है और यहाँ भी देखेगा इस कावड़ के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर ये जो है विमान रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में एक और जो है बात करें और वो है लकड़ी पर ही निर्मित चित्रों में और वो है आपके लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने की बात करें तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लकड़ी के खिलौने जो है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक लकड़ी के खिलौने जो हैं वह दोस्तों आपके बस्सी के प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। बस्सी आपको पता ही है, बस्सी जो है वह चित्तौड़ वाली बस्सी। लकड़ी का अधिकतर उस समय सामान जो बनता था दोस्तों वह जो बनता था आपके बस्सी में ही जो है बनता था। तो राजस्थान में लकड़ी के खिलौने के लिए जो फेमस है दोस्तों वह जो है आपके बस्सी है। और दूसरा स्थान जो है वो है आपके सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर जो है दोस्तों इस सवाई माधोपुर का ये दूसरा स्थान है यहाँ पर। तो सवाई माधोपुर जो है दोस्तों यहाँ इस लकड़ी के खिलौने के बनाने में नंबर दो पर है दोस्तों। इस लकड़ी की ही बनी होती कठपुतलियां, यहाँ आप देख रहे हैं जो इस प्रकार से जो है ये कठपुतली इस प्रकार से लटकी हुई है। तो ये कठपुतली जो है दोस्तों, कठपुतली जो होती है, ये कठपुतली की बात करें तो इसके निर्माण के लिए राजस्थान में जो फेमस है वो है उदयपुर। कठपुतली निर्माण के लिए राजस्थान में जो फेमस है वो है उदयपुर। तो ये एक्चुअल में ऐसे बना करके लकड़ी के और इनके ऊपर रंग बिरंगे जो है ये डायग्राम्स चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं और इसी प्रकार इनको हमने लकड़ी पर निर्मित चित्रों में शामिल किया है। दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं और वह यह है कि आप जैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो राजस्थान में लकड़ी के खिलौने जो प्रसिद्ध हैं वह जो हैं आपके दोस्तों बस्सी के। लेकिन अगर प्रश्न आए कि लकड़ी का बना खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, लकड़ी का बना खेल के सामान से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपके बैट विकेट वगैरह ये जो हैं ये, तो ये जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों वो जो है आपके इसके लिए फेमस जो स्थान है वो है आपके यहाँ पर हनुमानगढ़। दोस्तों राजस्थान में हनुमानगढ़ जो है, इस हनुमानगढ़ का जो है ये प्रसिद्ध है, ये लकड़ी का बना हुआ खेल का सामान जो है ये। तो हनुमानगढ़ जो है यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये लकड़ी का बना खेल का सामान जो है ये। तो खिलौने तो दोस्तों आपके कहाँ के हैं, बस्सी के हैं, और खेल का सामान जो है वो हनुमानगढ़ का है। दोनों अलग अलग चीज हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में एक और वो है आपके मोर चौपड़, या इसको जो है चौपड़ा के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों। यहाँ हम दो चीज हैं यहाँ पर, पहले हम बात कर रहे हैं मोर चौपड़ की।
मोर चौपड़ यहाँ आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ ये जो है एक बॉक्स होता है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर जो है चित्रकारी कर रखी है। ये तिलक भरने के काम आता है, चावल रोली जो है इसमें भर ली जाती है, इसी को जो है चौपड़ा के नाम से जो है पुकारा जाता है, चौपड़ा भी इसी को कहा जाता है जो तिलक लगाने के काम जो है ये आता है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये जो है आपके मोर चौपड़ या चौपड़ा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंडोला, हिंडोला का मतलब होता है दोस्तों झूला, हिंडोला का मतलब होता है झूला। ये झूला जो है पालने टाइप में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर इसके ऊपर ये चित्र बने हुए हैं। तो ये जो चित्र जो बने हैं ये लकड़ी पर निर्मित चित्रों में ही इनको जो है शामिल किया गया है। तो ऐसे जो है ये पालने या झूले होते हैं जिनको हिंडोला के नाम से आप लोग पुकारते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में एक और जो है, और वो है बाजौट। बाजौट है दोस्तों, बाजौर नहीं है, बाजौट के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है, बाजौट के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है, बाजौट। बाजौट की बात करें दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये चौकी होती है, ये लकड़ी की बनी हुई, ये चौकी होती है लकड़ी की बनी हुई दोस्तों, जिसके ऊपर ये बहुत ही सुंदर सुंदर आप चित्रकारी देख रहे हैं, ये जो है लकड़ी के जो है ऊपर ये चित्रकारी जो है कर दी जाती है। इसकी बात करें तो अब इसको क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, इसको भी लेकर के एग्जाम में प्रश्न आया है, और वह प्रश्न क्या आया है कि राजा महाराजा किस पर रख करके भोजन किया करते थे, तो वो जो है बाजौट के नाम से जिसको जाना जाता है, तो इस पर राजा महाराजा रख करके जो है भोजन किया करते थे, जो राजा महाराजा जो हैं ये इस पर रख करके जो है भोजन किया करते थे दोस्तों, राजा महाराजा इस पर भोजन किया करते थे, तो ये एक तरह से शाही भोजन जो है ये कहलाता है, इस पर जो भोजन जो करते थे इसको शाही भोजन के नाम से लोग जो है पुकारते हैं, तो शाही भोजन के रूप में इसको जो है जाना जाता है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ऐसा ये जो है रहा है आपके यहाँ पर, ये बाजौट के नाम से जिसको पुकारते हैं। पिछली बार एक एग्जाम हुई थी दिल्ली मेट्रो की, और सॉरी जयपुर मेट्रो की, तो जयपुर मेट्रो जो एग्जाम जो हुई थी उस जयपुर मेट्रो एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि राजा महाराजा किस पर रख करके भोजन किया करते थे, तो ये जो भोजन जो किया करते थे वो बाजौट पर रख करके जो है भोजन किया करते थे। तो ऐसा ये जो है रहा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों मानव शरीर पर निर्मित चित्रों की बात करते हैं। अब हम मानव शरीर पर जो बनाए गए जो चित्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं इसमें, और उनमें जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है गोदना। गोदना की बात करें तो दोस्तों गोदना क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं ये माता श्री के यहाँ इस प्रकार से जो है बना हुआ है इस प्रकार का। तो ऐसे जो गोदने जो होते हैं इसमें क्या होता है कि स्किन को गोदा जाता है, पिन से जो है गोद दिया जाता है, और गोद करके और इसमें क्या किया जाता है कि त्वचा जो है, त्वचा को गोद करके और इस त्वचा को गोद करके और इसमें जो है यहाँ पर काला रंग भर दिया जाता है, काला रंग भर दिया जाता है दोस्तों। इस काले रंग के रूप में यहाँ पर इसमें उपयोग जो किया जाता है ना वह किया जाता है खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं, खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं इन पत्तियों को जो है जला करके और इनका उपयोग किया जाता है, खेजड़ी की पत्तियों की जो राख होती है ना उसका उपयोग किया जाता है काले रंग के रूप में। इसकी बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपके गोदना जो है इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी उसके बारे में तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण के द्वारा कर दी गई थी। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले राधा का गोदना बनवाया था, अपने हृदय पर जो है उन्होंने राधा का गोदना गुदवा लिया था। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जो रहा था आपके गोदने की शुरुआत, और वहां से धीरे धीरे ये आम लोगों में आ गया था गोदने का जो प्रचलन जो है, ये आम लोगों में जब आया था तो ऐसा मानते हैं कि आम लोगों में इसका उपयोग जो होने लगा था वो सामाजिक पहचान के लिए इसका उपयोग होने लगा था। सामाजिक पहचान के लिए कैसे कि लोग बाग क्या करते थे कि अपना नाम, अपने गांव का नाम जो है इस प्रकार से हाथ पर गुदवा लेते थे, जिससे उनकी पहचान रहती कि भाई फलाने गाँव का फलाने सिंह जो है इस प्रकार से। ज्यादातर महिलाएं इस प्रकार का कार्य करती थी, महिलाएं इस प्रकार का जो कार्य करती थी तो उसके पीछे ऐसा लॉजिक रहा है कि वो अपने पति का, अपने जो है गांव का नाम जो है लिखवा लेती थी। तो ऐसे स्टार्टिंग जो रूप रहा था इस गोदने का वह जो रहा था सामाजिक पहचान। तो दोस्तों शुरुआती जो दौर रहा था वह तो रहा था सामाजिक पहचान के रूप में इसका उपयोग रहा था, सामाजिक पहचान के रूप में इसका जो है उपयोग रहा था, सामाजिक पहचान के रूप में इसका जो है उपयोग रहा था ये जो गोदना जो है इसका। बाद में इसका उपयोग जो किया जाने लगा था दोस्तों, वह जो किया जाने लगा था इसका बाद में उपयोग वह सजने संवरने के लिए,
श्रृंगार के लिए जो है इसका उपयोग किया जाने लगा था। श्रृंगार के लिए इसका उपयोग जो हुआ है सबसे ज्यादा वो नट भाट लोहार या इनको जो है गडरिया लोहार के नाम से भी पुकारा जाता है, और कालवेलिया जो है ये। तो ऐसे करके ये जो है आपके यहाँ पर ये रहे हैं जिनमें जो है इसका प्रचलन सामाजिक पहचान के रूप में ये रहा है, इनका श्रृंगार के रूप में भी जो है इनका उपयोग किया जाने लगा था। आगे चल करके गोदना जो है इसका रूप जो ले लिया था वो ले लिया है आपके टैटू ने। टैटू ने जो है इसका ही उपयोग लिया, मतलब इसका ही रूप लिया है गोदना जो है। तो आगे चल करके जो गोदना जो है वही क्या बन गया है, टैटू बन चुका है। तो ऐसा है ये जो है गोदना जो है जो मानव शरीर पर निर्मित चित्रों में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेहंदी। ये भी आपके मानव शरीर पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी मानव शरीर पर निर्मित चित्रों में आते हैं। मेहंदी की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों सोजत जो पड़ता है, ये सोजत जो स्थान जो पड़ता है दोस्तों ये आपके पाली में पड़ता है। तो आपके राजस्थान में जो मेहंदी जो प्रसिद्ध है वो यहीं की है, आपके सोजत की ही। ये नेक्स्ट महावर की बात करें तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं इनके जो हाथों पर इस प्रकार से लाल कलर जो रंग जो लगा हुआ है इसी को महावर के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो ये एक तरह से लाल रंग होता है जिसको ये सजने संवरने के लिए इसको इमीडिएट प्रभाव से इसका यूज किया जाता है। तो ऐसा ये जो है रहा है आपका यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आपके मानव शरीर पर जो है निर्मित जो है ये बनाए गए जो चित्र थे, ये मानव शरीर पर जो है बनाए गए जो चित्र थे उनके बारे में जो है ये जानकारी थी। तो मानव शरीर पर जो चित्र बनाए गए हैं उनको जो है इन नामों से जो है पुकारा जाता था। यहाँ पर जो है विभिन्न अलग अलग नामों से इनको जो है पुकारा गया था, मानव शरीर पर जो बनाए गए जो चित्र हैं उनको। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं एक और जो है टाइप, और वो है कपड़े पर निर्मित चित्र। कपड़े पर निर्मित चित्रों के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं। कपड़े पर जो बनाए गए जो चित्र हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं हम। तो दोस्तों कपड़े पर यहाँ हम तीन प्रकार के जो है यहाँ पर चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो हम करेंगे यहाँ पर जैसे कि वार्तिक जो है इनके बारे में, एक जो है करेंगे पिछवाई, और एक जो रहेगा आपका फड़। तो इन तीन चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ये कपड़े पर निर्मित चित्रों में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं वार्तिक। वार्तिक या दोस्तों इसको जो कहा जाता है वह वातिक के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। वार्तिक कह लीजिएगा या इसको वातिक कह लीजिएगा। दोस्तों ये क्या होती है वार्तिक या वातिक के बारे में अगर आपसे बात करें तो ये जो कला है वार्तिक या वातिक, इसमें क्या होता है कि जब चित्रकारों ने कपड़े पर चित्र बनाना स्टार्ट किया था तो कपड़े पर चित्र बनाना थोड़ा सा टिपिकल था। रीजन क्योंकि कपड़े को आप कितना भी टाइट रख लो लेकिन बीच में फिर भी उसमें थोड़ा सा झोल रहता है। तो वो कपड़े पर जो है इस प्रकार से झोल रहता है तो उस पर चित्र थोड़ा सा आसानी से नहीं बन पाता है चित्र। तो वहां वो क्या करते हैं कि इसमें वो उन्होंने सोचा कि कैसे अच्छा चित्र बने। उस समय कोई फ्रेम वगैरह तो था नहीं कि भाई फ्रेम लगाया और एकदम टाइट कर दिया कपड़े को, तो वो चीज तो पॉसिबल थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मोम होता है इस मोम को लिया और इसको कपड़े के ऊपर डाला। तो कपड़े ऊपर डाला तो मोम से कपड़ा एकदम टाइट हो गया, एकदम स्लेट बन गई कपड़े की, और उसके ऊपर फिर चित्रकारी कर दी। जब उसके ऊपर चित्रकारी की तो वह चित्रकारी करने से क्या हुआ कि वो कपड़ा तेलीय होने के कारण चित्र दोनों तरफ बन गया था, चित्र जो है वह दोनों तरफ बन गया था। तो वो उन्होंने देखा कि यार ये अच्छी कला हाथ लगी, चित्र एक तरफ बनाया है और दोनों तरफ बन गया, ओलिय होने से वो ऐसा हुआ था, और उसी कला का नाम क्या रख दिया वार्तिक या वार्तिक कला के नाम से उसको जो है पुकारा गया। कहने का मतलब कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके और चित्रकारी करना, मोम की परत चढ़ाई जाती है और परत चढ़ा करके फिर चित्रकारी कर दी जाती है, मोम की परत चढ़ा करके चित्रकारी कर दी जाती है। तो ये कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके चित्रकारी करना जो है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों वार्तिक के नाम से जो है पुकारा जाता है, या वार्तिक के नाम से इसको पुकारा जाता है। दोस्तों ये वार्तिक जो कला है, ये कला जो स्टार्ट जो हुई है वह जो कला स्टार्ट हुई है आपके चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ में पड़ता है एक स्थान जिसे आप देवगढ़ के नाम से पुकारते हैं।
देवगढ़ के नाम से जैसे पुकारा जाता है। देवगढ़ दोस्तों राजसमंद में भी है, ये वो नहीं, चित्तौड़ वाला देवगढ़। यहां से कला जो है स्टार्ट हुई है और यहां से कला स्टार्ट होकर के और आपके राजस्थान में इसकी लोकप्रियता जो बनी वो खंडेला, राजस्थान में ये खंडेला जो है यहाँ की प्रसिद्ध है ये कला। खंडेला जो दोस्तों सीकर में पड़ता है वहाँ इसका खूब कार्य हुआ है और यहाँ सीकर में इसके एक फेमस कलाकार भी रहे हैं। और उस कलाकार की बात करें तो यहाँ इसके कलाकार जो रहे हैं वो रहे हैं उमेश चंद शर्मा। दोस्तों इसके जो फेमस कलाकार जो रहे हैं ये एक्चुअल में राष्ट्रपति से भी अवार्डेड हैं इस कला के लिए। तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके चित्रकारी कर देना ही क्या कहलाता है, वार्तिक के नाम से जिसको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो चित्र आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के जो है ओलिये पेंट इनको कह सकते हैं, तो ये जो है आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ही आगे जो है चर्चा का जो विषय रहेगा वार्तिक के बाद में नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं और वो है पिछवाई। पिछवाई के नाम से जैसे जाना जाता है दोस्तों, पिछवाई की बात करें तो देखिएगा पिछवाई जो है ये क्या है। पिछवाई की अगर हम बात करें तो आप मंदिरों में गए होंगे कभी, और मंदिरों में जब आप गए हैं तो उसके पीछे आपने एक कपड़े का पर्दा देखा होगा, एक कपड़े का पर्दा जो है टंगा रहता है, कपड़े का एक पर्दा जो है टंगा रहता है। और एक कपड़े का पर्दा जो टंगा जो रहता है उस कपड़े के पर्दे को ही जो है कहा जाता है पिछवाई। तो मंदिर जो है इन मंदिरों में जो है ये प्रधान मूर्ति जो होती है, मंदिरों में जो प्रधान मूर्ति जो होती है इस प्रधान मूर्ति के पीछे जो पर्दा जो लटका रहता है, मंदिरों में प्रधान मूर्ति के पीछे जो पर्दा जो लटका रहता है दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, पिछवाई कहा जाता है, उसी को जो कहते हैं राइट। इसकी बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपके इस पर इस कला की बात करें तो आपके ये जो कला है मेन रूप से वृंदावन की है, वृंदावन जो है यहाँ की है ये कला। और वृंदावन से जो कला जो आई है आपके राजस्थान में वह जो आई है आपके नाथद्वारा में, नाथद्वारा जो है यहाँ की आपके राजस्थान में फेमस है। नाथद्वारा बात करें तो राजसमंद जो है यहाँ की ये जो है कला आपके प्रसिद्ध है, ये नाथद्वारा राजसमंद की। ये जो बात करें तो आपके पिछवाई जो है ये इस कला की बात करें तो ये वृंदावन से यहाँ जो आई है वो श्रीनाथ जी की प्रतिमा के साथ में आई है, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है इसके साथ में ये आई है यहाँ पर। दोस्तों इस कला की अगर हम बात करें तो इस कला में यहाँ पर जो चित्र जो बने रहते हैं वो भगवान कृष्ण की जो है बाल लीलाएं, भगवान कृष्ण जो है इनकी बाल लीलाओं के जो है चित्र बने होते हैं इनके ऊपर, भगवान कृष्ण की जो बाल लीला जो है इनके जो है यहाँ पर चित्र बने होते हैं ये जो पिछवाई जो होती है इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि पहली बात तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है वो कि राजस्थान में पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में पिछवाई जो प्रसिद्ध है वो है आपके नाथद्वारा की, राजस्थान में ये यहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाई जो रही है ये। इसकी बात करें तो इस पर जो चित्र जो बने होते हैं उन चित्रों की बात करें तो उन चित्रों पर मेन जो चित्र सब्जेक्ट जो होता है चित्रों का वो होता है कृष्ण की बाल लीला, भगवान कृष्ण की जो बचपन के जो लीलाएं होती हैं उन बचपन की लीलाओं को लेकर के और इनके ऊपर जो है चित्र बनाए गए हैं। इसकी बात करें तो दोस्तों आपके राजस्थान में इस नाथद्वारा के अलावा अगर किसी दूसरे स्थान का नंबर जो आता है तो वो है किशनगढ़, पिछवाई अगर दूसरे स्थान पर कहीं की प्रसिद्ध है तो वो है आपके किशनगढ़ की। किशनगढ़ जो है दोस्तों ये जो पड़ता है आपके अजमेर वाला किशनगढ़, यहाँ की ये जो है फेमस है ये जो कला है ये आपकी बात करें तो पिछवाई जो कला है ये, तो किशनगढ़ जो है यहाँ की ये जो है प्रसिद्ध है ये जो कला बात करें तो दूसरे नंबर पर ये पिछवाई जो है ये। तो ऐसा रहा है पिछवाई दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे वो है फड़। तो देखिएगा दोस्तों जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं ये कपड़े पर निर्मित चित्रों में, अभी जैसे हमने आपको चर्चा किया था कपड़े पर जो बने हुए चित्र दो प्रकार के जो हम चर्चा कर चुके हैं कि एक तो जो है आपके पिछवाई के बारे में हमने बताया था, उसके बाद में हमने आपको बताया था वार्तिक के बारे में। तो पिछवाई और वार्तिक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पर जो चलते हैं वो है फड़। फड़ पेंटिंग की हम बात करते हैं दोस्तों, फड़ क्या होती है, किसे कहते हैं फड़, किस प्रकार से जो है इनका निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं।
तो देखिएगा फड़ की अगर हम बात करें इस शब्द विशेष की, तो ये फड़ जो बना है दोस्तों पढ़ से बना है, पढ़, और पढ़ का मतलब होता है पढ़ना दोस्तों, पढ़ना होता है पढ़ का अर्थ जो होता है, और पढ़ना जो है इसमें केवल और केवल चित्रों को पढ़ा जाता है दोस्तों, चित्र जो होते हैं तो ये चित्रों को जो है पढ़ा जाता है, चित्रों को जो है पढ़ा जाता है, और चित्रों को पढ़ने का जो काम करते हैं वो करते हैं भोपा भोपी, भोपा और भोपी जो होते हैं मीन्स ये जो है इसके पढ़ने का काम करते हैं। अब भोपा भोपी कौन होते हैं, किसे कहते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से पढ़ने का काम करते हैं, तो वो देखिएगा। ऐसा मानते हैं कि ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ये एक कपड़ा होता है, और ये जो कपड़ा होता है दोस्तों ये खादी का बना हुआ कपड़ा होता है, खादी या रेजी का, ये जो कपड़ा है ये खादी का रहता है दोस्तों, खादी या जो है ये रेजी का जो है ये कपड़ा रहता है, ये जो बात करें तो आपके ये कपड़े के अगर हम औसतन चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, लगभग ये 5 फीट चौड़ा रहता है ये, और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें दोस्तों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसकी लंबाई की बात करें, तो ये जो है लगभग 24 से लेकर के और 30 फीट लंबा रहता है औसतन, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, औसतन जो है ये रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पर किसी देवता जो है उसके जुड़े हुए ये बीच में उसके मेन चित्र बना दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में इस देवता से जुड़ी हुई पूरी गाथा के इसमें जो है चित्र बनाए जाते हैं, उनके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के जो है उनके चित्र जो है इसमें बना दिए जाते हैं, जन्म हुआ कहाँ, किस प्रकार से उनके समाज सुधार हुए थे, क्या उन्होंने चमत्कार किए थे, किस प्रकार से उनका जो है किस जगह पर उनका शादी हुई थी, कहाँ उनकी जो घोड़ी या जो है घोड़े का नाम क्या है, तो ये सारा का सारा जो है उस देवता का इसके ऊपर जीवन चित्रण होता है दोस्तों। तो कोई भी लोक देवता हो सकता है, इस लोक देवता जो है इस लोक देवता का इसके ऊपर जीवन चित्रण किया जाता है, जीवन चित्रण जो है किया जाता है इसके ऊपर, ये जो बात करें तो आपके यहाँ। तो ये जो है पूरा का पूरा इस फड़ के ऊपर या इस कपड़े के ऊपर उस देवता से जुड़ी हुई पूरी गाथा के चित्र बना दिए जाते हैं, लिखा कुछ नहीं जाता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो कपड़े पर बनाए गए लोक देवी देवता के चित्र, या यूं कह लीजिएगा कि कपड़े पर किसी लोक देवता का जीवन चित्रण कर देना ही क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। या इसको और भी थोड़े ढंग से आप बोल सकते हैं कि कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य ही क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। तो ये जो है दोस्तों ये कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य जो होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, फड़ के नाम से जो है पुकारते हैं। कपड़ा जो है कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य, कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य, कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य जो है इस लोक साहित्य को ही हम जो है फड़ के नाम से जो है पुकारते हैं। तो कपड़े पर चित्रित लोक साहित्य जो है ये फड़ कहलाता है दोस्तों। इसकी बात करें तो दोस्तों ये जो फड़ है इसका वाचन क्या करते हैं कि इससे जैसे मानो कोई पर्टिकुलर देवता है, जैसे हम सपोज करो ये पाबू जी की है, पाबू जी जो हैं इनसे जुड़ी हुई ये फड़ है, तो पाबू जी के जो पुजारी जो होते हैं, जो भोपा भोपी जो होंगे, जो उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वो इसको लेकर के और गांव-गांव इसका भ्रमण करते हैं दोस्तों, वो इसको लेकर के और इसका ये गांव-गांव भ्रमण करते हैं और गांव-गांव जाकर के और इसका ये वाचन करते हैं, ये लोग गांव-गांव जाते हैं और इसका वाचन करते हैं। वाचन कैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो पीछे एक लकड़ी लगी रहती है ऐसे बीच बीच में, ऐसे पीछे खड़ी इसमें यूं इस प्रकार से इसमें खड़ी लकड़ियां लगी रहती हैं, जिससे इसको क्या किया जा सकता है कि दीवार के सहारे आसानी से जो है इसको खड़ा रखा जा सकता है। जैसे इसमें लकड़ी लगी हुई है इस प्रकार से, तो दीवार के सहारे आसानी से खड़ी हो जाती है दोस्तों। इसकी बात करें तो अब ये क्या करते हैं कि जो भोपा होता है ये तो क्या करता है कि एक कोने में बैठ करके और इनका जो है ये बखान करेगा, कोने में एक तरफ बैठ जाएगा और इसका बखान करेगा, मीन्स इसके बारे में पूरी गाथा सुनाएगा कि ऐसे पाबू जी ये हुए थे, इनकी मम्मी पापा ये हुए, ऐसे हुए ऐसे। और भोपी क्या करती है कि ये जो है एक लैंटर्न लेकर के और उन दर्शकों को बताती रहती है, जैसे वो बोलता है उसी हिसाब से वो उसके ऊपर ऐसे रखती रहती है, ऐसे नुकीली लकड़ी की छड़ी होती है उसको इसी प्रकार से वो इंडिकेट करती रहती है कि ये फलाना ढींकना जो भी वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग ये समझाती जाती है, क्योंकि इतने सारे चित्र बने हैं अब क्या समझ में आए किसका क्या चित्र है, तो वो भोपी क्या करती है समझाने का काम करती है दोस्तों। तो ऐसे इसका ये वाचन करते हैं, जब लोगों को
बोरियत महसूस होने लगती है तो ये भोपी जो होती है, ये भोपी क्या करती है दोस्तों, ये नृत्य करती है इसमें, तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है फड़ नृत्य। तो मतलब क्या हुआ, फड़ वाचन के दौरान भोपी के द्वारा किए जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है दोस्तों, फड़ नृत्य कहलाता है। फड़ वाचन के दौरान भोपी के द्वारा किए जाने वाला नृत्य ही फड़ नृत्य कहलाता है। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जब ये फड़ कपड़े पर तो बनी है ही, तो कपड़ा है एक साल दो साल दस साल में क्या है कि खराब हो जाएगा, तो अब इसको ये नहीं कहीं भी ऐसे फेंक दिया उठा करके, ये बहुत ही पवित्र होती है ये, तो ये इसको ये क्या करते हैं दोस्तों, ये धार्मिक स्थलों के जो जल स्रोत हैं उन धार्मिक स्थलों के जल स्रोतों में इसको पानी में जो है मीस डाल दिया जाता है, मीस पानी में इसका विसर्जन कर देते हैं, और उसको जो कहा जाता है दोस्तों ये कहते हैं फड़ ठंडी करना, उसको कहा जाता है फड़ ठंडी करना। मतलब क्या हुआ कि जब फड़ जीर्ण अवस्था में पहुंच जाए, जीर्ण मीन्स बुढ़ापा, तो जब फड़ जीर्ण अवस्था में या फट जाए गल जाए सड़ जाए तो उसे धार्मिक स्थलों के जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है और उसी को जो कहा जाता है वो कहते हैं फड़ ठंडी करना, राइट। राजस्थान में दोस्तों ये जो कार्य किया जाता है उसके लिए एकमात्र स्थान है आपके राजस्थान में और वो है पुष्कर। राजस्थान में ये जो कार्य किया जाता है दोस्तों पुष्कर में किया जाता है, पुष्कर जो है आपके अजमेर, तो यहाँ ये कार्य किया जाता है आपके पुष्कर में, ये फड़ ठंडी करने का जो कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये रहा है, ये जो आपकी फड़ जो रही है, ये फड़ की बात करें दोस्तों तो इसके हम आगे बात करते हैं, तो इसके इतिहास क्या रहा है, कहाँ से इसकी पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, कैसे इसकी जो है पेंटिंग रही है आपके यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ देखिएगा फड़ पेंटिंग जो रहा है, फड़ पेंटिंग इसके बारे में लोग दोस्तों ऐसे बताते हैं कि इसका जो इतिहास जो स्टार्ट हुआ है फड़ पेंटिंग का, वो लगभग 700 वर्ष पूर्व जो है ये आपके फड़ पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। 700 वर्ष पूर्व जो है आपके ऐसा मानते हैं कि कोई जगह है पुर जो जगह है दोस्तों, इस समय चित्तौड़ में आता है ये पुर जगह जो है, यहाँ से फड़ पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। फड़ पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट तो हो गया था लेकिन यहाँ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी फड़ पेंटिंग जो कार्य है, ऐसा मानते हैं दोस्तों। यहाँ आपके इधर जो है पड़ता है शाहपुरा जो है दोस्तों, ये जो शाहपुरा जो है ये भीलवाड़ा वाला, ये जो शाहपुरा जो है ये आपके जो है भीलवाड़ा जो है शाहपुरा, ये यहाँ के एक व्यक्ति थे भीलवाड़ा के और उनका नाम मिलता है पांचाजी जोशी नाम के जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये आपके पुर स्थान गए और यहाँ से फड़ पेंटिंग को सीख करके आ गए और इन्होंने अपने यहाँ शाहपुरा में स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पुर में तो कोई नहीं जानता कि फड़ पेंटिंग का कोई केंद्र रहा होगा, यहाँ तो ये फ्लॉप हो गया मामला और राजस्थान में फड़ पेंटिंग के लिए एकमात्र प्रसिद्ध स्थान जो रहा है वह जो रहा है क्या, शाहपुरा ही रहा है। दोस्तों ये कई बार आ चुका है प्रश्न एग्जाम में, हजारों बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में फड़ पेंटिंग का एकमात्र प्रसिद्ध केंद्र जो रहा है वह क्या रहा है, तो वह जो रहा है आपका शाहपुरा रहा है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला शाहपुरा जो फड़ पेंटिंग के लिए फेमस है। दोस्तों यहां ऐसा मानते हैं कि इनका पूरा परिवार इसमें एक्सपर्ट हो गया, कहने का मतलब जो रहा है फड़ पेंटिंग में जोशी परिवार जो है ये पारंगत रहा है, जोशी परिवार जो है दोस्तों ये फड़ चित्रण में पारंगत रहा है। कई बार यहां से पूछ लिया जाता है कि फड़ चित्रण में कौन सा परिवार एक्सपर्ट रहा है, तो फड़ पेंटिंग में दोस्तों जोशी परिवार जो है वो पारंगत रहा है। इन्हीं के परिवार में आगे चल करके एक व्यक्ति हुए थे और उनका नाम मिलता है श्रीलाल जोशी करके जो है ये व्यक्ति हुए थे दोस्तों। श्रीलाल जोशी की बात करें तो ये जो रहे हैं श्रीलाल जोशी, इन्होंने एक व्यक्ति थे मेघराज मुकुल करके ये जो है व्यक्ति थे। इस मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी दोस्तों और वह कविता जो थी उस कविता का जो नाम मिलता है वह मिलता है सेनानी की बात करें तो दोस्तों सेनानी राजस्थान में जो कहा जाता है वह कहा जाता है निशानी को। तो ये मेघराज मुकुल जो थे इन्होंने ये कविता थी सेनानी, ये आपके श्रीलाल जोशी चले
और इस श्रीलाल जोशी ने क्या किया कि इस सेनानी के ऊपर फर चित्रण कर दिया था, इसके ऊपर इन्होंने फर चित्रण कर दिया था सेनानी के ऊपर। तो ऐसा मानते हैं कि इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गई ये आपके श्रीलाल जोशी, और इसके लिए इनको पद्म श्री अवार्ड से जो है अवार्डेड किया गया था। ये पद्म श्री सम्मान से सम्मानित हैं ये श्रीलाल जोशी इस फर पेंटिंग के लिए। तो इनको कई बार पूछ लिया गया है कि राजस्थान में फर चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे हैं, तो प्रसिद्ध कलाकार के बारे में अगर कोई पूछे तो वो जो रहे हैं दोस्तों आपके श्रीलाल जोशी जो है रहे हैं। इन्हीं के परिवार में इस जोशी फैमिली में ही आगे चलकर के इस फर चित्रण में एक महिला एक्सपर्ट हो गई थी दोस्तों, और उस महिला की बात करें तो उसका नाम मिलता है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी करके ये महिला रही हैं जो राजस्थान की एकमात्र महिला फर चितेरी हैं। ये एकमात्र महिला जो है फर चितेरी के रूप में जो है जानी जाती हैं। ये महिला फर चितेरी के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है, महिला फर चितेरी के रूप में इनको जो है जाना जाता है। तो ये पार्वती जोशी राजस्थान की एकमात्र महिला फर चितेरी रही हैं। दोस्तों राजस्थान में अलग अलग देवताओं की यहाँ पर जो है फड़ देखने को मिलती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग देवताओं के जो फड़ देखने को जो मिलती हैं उनमें हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर एक पर, और वो है आपके देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी जो हैं इस देवनारायण जी की फड़ की बात करते हैं। देवनारायण जी की फड़ के बारे में दोस्तों हम जो है बात करते हैं, देवनारायण जी की फड़ के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप देवनारायण जी जो हैं ये गुर्जरों के लोक देवता हैं। ये गुर्जर एक जाति विशेष, तो ये गुर्जरों के लोक देवता हैं आपके देवनारायण जी जो हैं ये, राइट। दोस्तों देखिएगा देवनारायण जी का जो संबंध है, देवनारायण जी का जो रिलेशन रहा है, वह जो रहा है देवनारायण जी का रिलेशन वो रहा है आपके भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में भी आसिंद, और आसिंद में भी अगर आप बात करें दोस्तों तो वो जो रहा है मालासेरी। कहने का मतलब सीधे शब्दों में भीलवाड़ा से इनका संबंध रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में फड़ चित्रण का एकमात्र प्रसिद्ध केंद्र जो रहा है वो रहा है भीलवाड़ा का शाहपुरा। तो अब उस पर भी जो चित्र जो बनाए जाते हैं दोस्तों, वह जो चित्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं किसी देवता से रिलेटेड। तो देखिएगा वहां शाहपुरा में मींस भीलवाड़ा के जो है ये देवता बड़े फेमस जो है चर्चा में थे। तो जाहिर सी बात है कि उन जोशी फैमिली के जो पेंटर जो थे जिन्होंने फड़ चित्रण स्टार्ट किया था शाहपुरा में, तो उन्होंने सबसे पहले इसी के ऊपर फड़ चित्रण किया था। किसके ऊपर? देवनारायण जी के ऊपर। तो दोस्तों यहां इनकी बात करें तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ यही है इनकी ही। राजस्थान जो है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो है फड़ यही रही है। सबसे प्राचीन फड़ जो है ये रही है, सबसे प्राचीन फड़ यही ये रही है आपकी देवनारायण जी की। तो कई बार पूछा जाता है राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ जो है वह कौन सी रही है, तो वो रही है देवनारायण जी की फड़ दोस्तों। दूसरी बात यहाँ की इनकी बात करें तो देखिएगा, जब पहली बार कोई कार्य किया जाता है तो उसको बड़े अच्छे ढंग से तसल्ली से जो है किया जाता है दोस्तों, और वह जो कार्य अच्छे ढंग से जब तसल्ली से किया जाता है तो ऐसे इस कार्य को किया गया था इन पेंटरों के द्वारा। तो ऐसा मानते हैं दोस्तों इन पेंटरों ने इसमें इस देवनारायण सिंह से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात को भी यहाँ पर इन्होंने चित्रित कर दिया था। तो जिसको पढ़ने में, इसके जो भोपा होते हैं उनको पढ़ने में समय अधिक लगने लगा, जो सामान्यतः फड़ में जो समय लगता है उससे लगभग डेढ़ गुना या दुगुना समय जो है इसमें लगने लगा था। और इसी कारण यह राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ भी यही है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो फड़ है वो भी यही है, ये देवनारायण जी की। दोस्तों इनकी फड़ का जो वाचन जो किया जाता है, इनकी फड़ का वाचन जो किया जाता है दोस्तों, वह जो किया जाता है बगड़ावत भोपों के द्वारा। बगड़ावत भोपे जो होते हैं दोस्तों, बगड़ावत भोपे जो होते हैं इन भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। बगड़ावत दोस्तों गुजरों में एक गोत्र होता है, और इस बगड़ावत गोत्र से ही रिलेटेड थे कौन? देवनारायण जी। तो ये बगड़ावत भोपे जो होते हैं इन बगड़ावत भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। दोस्तों जब ये इसकी फड़ का वाचन करते हैं तो उस समय ये जो है इसमें वाद्यंत्र जो बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं इसमें, वह जो बजाया जाता है वाद्यंत्र
उसकी बात करें तो इसमें जो वाद्यंत्र जो बजाया जाता है वह है जंतर। जंतर करके एक वाद्यंत्र होता है दोस्तों, इसको इसमें बजाते हैं। ये वाद्यंत्र कुछ इस प्रकार की एक लकड़ी रहती है, इसमें यहाँ पर ये लकड़ी के दो तुम्बे से लटके रहते हैं और इसमें यहाँ से लेकर के दोस्तों और यहाँ तक इसमें ये तार लगे रहते हैं ऐसे। इन तारों की बात करें तो इन तारों को यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये ऊपर जो है इनको इस प्रकार से ये अलग किया जा सकता है ऐसे कट मार करके। तो ऐसा ये तार जो होते हैं संख्या में ये पाँच या छः तार जो है ये लगे रहते हैं इसमें, पांच या छह तार जो है ये लगे रहते हैं यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके इसमें। तो ऐसी जो है ये रहती है आपकी ये जो देवनारायण जी की जो फड़ जो रहती है ये, तो इस फड़ वाचन के दौरान इस जंतर वाद्यंत्र को बजाते हैं। बगड़ावत भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बात करें तो ये गुजरों के जो है लोक देवता रहे हैं, सबसे प्राचीन फड़ रही है और सबसे लंबी फड़ रही है दोस्तों। ये आपकी एकमात्र फड़ है जिसे डाक टिकट के ऊपर चित्रित किया गया है। डाक टिकट जो है इसके ऊपर जारी किया गया है दोस्तों। और डाक टिकट की बात करें तो इसके ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था वह 2 सितंबर 1992 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। वह किया गया था यहाँ पर ₹2 का यहाँ पर ये डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और वह जो बात करते हैं वो करते हैं आपके यहाँ पर दोस्तों सबसे नेक्स्ट दूसरे नंबर पर। और वह दूसरे नंबर की जो फड़ है वो रही है आपके पाबू जी की फड़ की बात करते हैं हम। पाबू जी की फड़ की बात करें तो सबसे पहली बात तो देखिएगा आप, पाबू जी जो रहे हैं ये ऊँटों के लोक देवता कहलाते हैं दोस्तों। ऊँटों के लोक देवता कहलाते हैं ये, ऊँटों के लोक देवता जो है ये कहलाते हैं। ऊँटों के लोक देवता के रूप में इनको जो है जाना जाता है राजस्थान में दोस्तों। ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है वो इनको ही जाता है ये जो बात करें तो आपके पाबूजी जो हैं इनको। और इस कारण दोस्तों जो ऊंट चराते हैं, ऊंट जो चराते हैं दोस्तों वो ऊंट चराने वाले जिनको आप रायका या रेवारी कहते हैं, ऊंट चराने वाले रायका कहलाते हैं दोस्तों, रायका या रेवारी कहलाते हैं। ये रायका या रेवारी जो होते हैं दोस्तों ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट जब बीमार होता है दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर ये क्या करते हैं कि इनकी फड़ का जो है वाचन करवाते हैं। ये रायका या रेवारी जाति के जो लोग होते हैं ये जब ऊंट बीमार होता है तो उस समय इनकी फड़ का वाचन करवाते हैं। इनकी फड़ का वाचन जो किया जाता है दोस्तों, वह जो किया जाता है इनकी फड़ का वाचन वो जो किया जाता है वो किया जाता है थोरी जाति के भोपों के द्वारा। थोरी जाति जो है इस थोरी जाति के भोपे होते हैं दोस्तों, थोरी जाति के भोपे होते हैं। इन थोरी जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। तो जब इनकी फड़ का वाचन इन भोपों के द्वारा किया जाता है तो इन भोपों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों नायक या आईडी कहते हैं इनको, इनको नायक या आईडी के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है दोस्तों। नायक या आईडी के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है ये जो भोपे होते हैं इनको। इनकी बात करें तो दोस्तों इसमें ये जो है वाद्यंत्र जो बजाते हैं, ये वाद्यंत्र जो बजाते हैं ये वाचन के दौरान वह जो बजाया जाता है यहाँ पर वाद्यंत्र उसकी बात करें तो वो आपके रावण हत्था जो है इसमें वाद्यंत्र बजाया जाता है। रावण हत्था की बात करें तो दोस्तों ऐसा आधा कटा हुआ नारियल होता है, इसमें ये चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इसमें यहाँ से लेकर के और एक बांस की लकड़ी लगाई जाती है दोस्तों ऐसे, और ये बांस की लकड़ी लगा करके और इसमें क्या किया जाता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसे ये खूंटियों की सहायता से यहाँ पर इसमें ये तार लगाए जाते हैं ऐसे। इन तारों की संख्या जो रहती है वो रहती है 9, इसमें 9 तार लगाए जाते हैं। और ऐसा ये जो है ये बना हुआ वाद्यंत्र होता है जिसको यहाँ से लिया और एक गज या मिजराफ रहती है ऐसी कमान के जैसी संरचना जिसमें एक तरफ घुंघरू वगैरह जो है ये बंधे रहते हैं, इसको पकड़ा और इस पर रगड़ करके इसको ऐसे बजाते हैं। तो ये रावण हत्था इसमें वाद्यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसकी बात करें तो देखिएगा ये थोरी जाति के लोग इसका वाचन करते हैं और रायका या रेवारी जो है इसका वाचन करवाते हैं।
ये रायका यही जाति है होने को, तो ये ऊंट चराने लग गए हैं तो इनको रायका या रेवारी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में ऊँटों के मामले में नंबर एक पर है, तो राजस्थान में ऊँट भी खूब जो है बीमार होते हैं। जब ऊँट बीमार होते हैं तो दोस्तों ऐसा जो है इनकी फड़ का वाचन भी खूब अच्छे से किया जाता है, बार बार रिपीटेशन होता है। जब बार बार किसी चीज का रिपीटेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है, तो इसी कारण यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये राजस्थान जो है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो यही है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो यही है। कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वह कौन सी है, तो वो है पाबू जी की फड़। तो पाबू जी की फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, राइट दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में एक और जो है आपके यहाँ पर फड़ की बात करते हैं, नंबर तीन पर बात करें, और वो है आपके रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी जो है, रामदेव जी की फड़ के नाम से इसको जो है जाना जाता है। रामदेव जी की फड़ की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो है रामदेव जी की फड़ जो है, इसका जो है निर्माण जो किया था रामदेव जी की फड़ का, उनके बारे में ऐसा मानते हैं कि कोई चौथमल जोशी नाम के व्यक्ति थे, चौथमल जोशी नाम के व्यक्ति थे। इस चौथमल जोशी नाम के व्यक्ति ने जो है ये आपके यहाँ पर रामदेव जी की फड़ का जो है निर्माण किया था। रामदेव जी की फड़ का निर्माण चौथमल जोशी ने किया था दोस्तों। इनकी बात करें तो ऐसा मानते हैं कि इनकी फड़ का जो वाचन जो करवाते हैं, वाचन जो करवाते हैं वह जो करवाते हैं मेघवाल, मेघवाल जो है इनकी फड़ का वाचन करवाते हैं दोस्तों। मेघवाल जो होते हैं वो इनके सबसे ज्यादा अनुयायी होते हैं, और वाचन जो किया जाता है दोस्तों, फड़ का जो वाचन जो किया जाता है वह जो किया जाता है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। कामड़ जाति इन रामदेव जी से रिलेटेड है, कामड़ जाति के भोपे जो हैं इनकी फड़ का वाचन करते हैं, कामड़ जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। कामड़ एक जाति विशेष रामदेव जी से रिलेटेड इसलिए है कि रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, आपको अगर ध्यान हो तो। हम पढ़ेंगे आगे, देवता जब पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कामड़िया पंथ क्या रहा था, कैसे जो है इन्होंने चलाया था। तो छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने एक कामड़िया पंथ चलाया था, जिसमें जो भी शामिल हुआ था वह एक जाति विशेष के नाम से उसको आगे चल करके लोग पुकारने लग गए। उस कामड़ में जो है कामड़ नाम से उनको पुकारा गया और वही आगे चल करके कामड़ जाति बन गई थी। तो कामड़िया पंथ जो है दोस्तों, इस कामड़िया पंथ में जो भी शामिल हुआ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको उस जाति के नाम से संबोधित नहीं किया जाता था, उसको केवल कामड़ कहा जाता था, और वही आगे चल करके कामड़िया पंथ जो है बन गया था। तो ये कामड़िया पंथ जो बना था उसी में जो है ये कामड़ जाति के लोग ये कहलाए थे आगे चल करके, इन्हीं को कामड़ जाति का कहा गया था। तो इन्हीं के जो है ये भोपे जो होते हैं, कामड़ जाति के ही भोपे होते हैं जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, और इसमें ये जो है वाद्यंत्र जो बजाते हैं, इस वाद्यंत्र की बात करें तो इसमें जो वाद्यंत्र इनके द्वारा बजाया जाता है वो तंबूरा बजाया जाता है दोस्तों। तंबूरा जो है इसको बजाते हैं, या इसको तंदूरा के नाम से भी जो है पुकारा जाता है, तंबूरा कह लीजिएगा या इसको तंदूरा के नाम से जो है पुकार लीजिएगा, तंदूरा कह लीजिएगा, या इसको जो है चौतारा भी कहते हैं, चौतारा भी इसको कहा जाता है। तो इसको जो है इसमें बजाया जाता है। कई गाइडों में दोस्तों यहाँ रावण हत्ता लिखा हुआ है, जो कि रावण हत्ता नहीं है, बिल्कुल जो है 100% गलत है। ये तंबूरा या तंदूरा ये इन्हीं से रिलेटेड जो है वाद्यंत्र है, जैसे कामड़ जाति के ही लोग बजाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, निर्माण चौथमल जोशी ने किया, मेघवाल जाति के लोग इनका वाचन करवाते हैं, और वाचन करते जो है वो कामड़ जाति के भोपे जो करते हैं, तंबूरा वाद्यंत्र के साथ में इनका वाचन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक और फड़ के बारे में हम बात करें, नंबर चार पर जो है बात करते हैं, और वह जो है आपके यहाँ पर रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़, रामदला व कृष्णदला की फड़ के नाम से जो है इसको जाना जाता है।
राम दला व कृष्ण दला की फड़ के नाम से दोस्तों इसको हम पुकारते हैं। तो राम दला व कृष्ण दला की फड़ की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ये जो फड़ है ये भगवान राम और कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये भगवान राम व कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है ये जो फड़ है ये, राइट। तो इस फड़ की बात करें तो दोस्तों ये जो फड़ है आपकी राम दला व कृष्ण दला की फड़, इसका प्रचलन जो है वो है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती जो क्षेत्र है वहां इसका प्रचलन है दोस्तों इस राम दला व कृष्ण दला की फड़ का। और यहां इस फड़ का दोस्तों, यहां इसका जो वाचन जो किया जाता है, इसका जो वाचन जो किया जाता है दोस्तों, वह जो किया जाता है भाट भोपों के द्वारा। भाट भोपे जो होते हैं, इन भाट भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। भाट जो भोपे होते हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, ये राम दला व कृष्ण दला की फड़ का। इनकी बात करें तो दोस्तों ऐसा मानते हैं कि भाट भोपे जब इसका वाचन करते हैं ना, तो वो केवल और केवल दिन में करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसमें किसी भी प्रकार का ये भाट जो है वाद्यंत्र नहीं बजाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को कई बार पूछ लिया गया है कि एकमात्र फड़ राजस्थान की जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है और जिसमें कोई भी जो है वाद्यंत्र नहीं बजाया जाता तथा जिसका वाचन केवल और केवल दिन में किया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को कई बार यहां से पूछ लिया गया है कि राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है तथा जिसका वाचन केवल और केवल दिन में किया जाता है, तो वो है आपके राम दला व कृष्ण दला की फड़। तो ये जो रही है आपके हाड़ौती क्षेत्र में इसका प्रचलन रहा है राम दला व कृष्ण दला की फड़ का, राइट। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं एक और फड़ के बारे में, यहां पर चर्चा करते हैं दोस्तों। और वह जो फड़ है नेक्स्ट यहां पर, वो आपके भैंसासुर की फड़ के नाम से जिसको आप लोग पुकारते हैं। भैंसासुर जो है, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़ के नाम से जो है इसको जाना जाता है। भैंसासुर की फड़ की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है, ये जो आपके भैंसासुर की फड़ की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो देखिएगा, भैंसासुर जो रहे हैं ये एक जाति विशेष है बागरी। बागरी एक जाति है जिनको आप बागरिया के नाम से या बावरिया के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों। ये बागरी जाति जो है, इस बागरी जाति के ये लोक देवता हैं, ये बागरी जाति के ये लोक देवता हैं दोस्तों। ये जो है ना बागरी या बावरिया, ये किसानों के संरक्षक एक तरह से सहयोगी होते हैं। ये रात में किसानों की फसलों की सुरक्षा करते हैं ये। तो किसान इनको फिक्स डिसाइड कर देते हैं, भाई आपको हम जब भी अनाज पैदा होगा तो उस समय 10 किलो 5 किलो आपको दे देंगे। तो ये किसानों की फसलों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के साथ साथ क्या करते हैं, छोटी मोटी चोरी भी करते हैं ये बागरी जो होते हैं। तो दोस्तों ये जब चोरी करने जाते हैं, तो चोरी करने जाते समय इस फड़ का जो है ये एक्चुअल में पूजा करते हैं। तो ये जो है चोरी करने जब जाते हैं, चोरी करने जाते समय ये जो है चोरी करने जाते समय ये इस फड़ की जो है केवल और केवल पूजा करते हैं ये। तो इसकी पूजा की जाती है दोस्तों, इसका वाचन नहीं किया जाता है। बागरी जो है इनके द्वारा इसका वाचन नहीं किया जाता है। तो इसका वाचन जो है नहीं किया जाता है, एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है तो वो है आपकी भैंसासुर की फड़। तो इसको लेकर के भी यहां से प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है तो वो है आपके भैंसासुर की जो है फड़, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट एक और जो है बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपके गोगा जी की फड़। गोगा जी जो है, गोगा जी की फड़ के नाम से जिसको जाना जाता है। गोगा जी की फड़ की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कुछ लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है। इसमें अगर बात करें तो ये जो है फड़, इसका जो वाचन जो किया जाता है, तो इनके भोपों के द्वारा किया जाता है। उनको कोई विशेष नाम से भी नहीं पुकारा जाता है। तो ये जो है गोगा जी के भोपों के द्वारा किया जाता है। और इसमें ये जो है वाद्यंत्र जो बजाते हैं, ये जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसको कई बार पूछ लिया गया है कि गोगा जी की फड़ वाचन के दौरान कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, तो वो है डेरू। डेरू दोस्तों डमरू के जैसा वाद्यंत्र होता है, जैसा डमरू होता है सेम उसी प्रकार का जो है ये वाद्यंत्र होता है। कुछ इस प्रकार की जो है शेप लिए हुए रहता है ये जो रहता है आपका डेरू जो रहता है, ये जो है कुछ इस प्रकार की जो है शेप लिए हुए रहता है ये जो आपका डेरू जो रहता है ये।
यहाँ इधर ये चमड़ा मंडा रहता है, ऐसे इधर ये चमड़ा मंडा रहता है, यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से, और इसमें यहाँ से लेकर के, और ये जो है इसमें ये क्या है कि ये आपके ये इस प्रकार से इसमें रस्सियाँ लगी रहती हैं, ये इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसा ये जो है आपका ये वाद्यंत्र रहता है, ये जो आपका डेरू जो रहता है, इसको यहाँ लिया और यहाँ कंधे पर रख कर कर ऐसे इसको बजाते रहते हैं। तो ऐसा जो है ये आपका रहा है गोगा जी की जो फड़ रही है। तो देखिएगा एक और यहाँ पर अपन जो है एक फड़ के बारे में और जानकारी रख सकते हैं, और वो है अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ के बारे में ऐसी कोई लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है दोस्तों, कई बार इसको जो है ऐसा पूछा भी नहीं गया, लेकिन एक बार प्रश्न आया था अमिताभ बच्चन की फड़ को लेकर के, अमिताभ बच्चन जो है इनकी फड़ को लेकर के जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो अमिताभ बच्चन जो है इनकी फड़ को लेकर के कि अमिताभ जो बच्चन है, अमिताभ बच्चन जो है इनकी फड़ जो है, इनकी फड़ जो रही है अमिताभ बच्चन की, ये जो फड़ जो है अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ जो रही है दोस्तों, ये जो फड़ जो रही है इसका निर्माण जो किया था दोस्तों, इसका निर्माण जो किया था वो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो किया था वो रामलाल नाम के भोपा थे, रामलाल, और इनकी जो वाइफ थी पतासी, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था इस अमिताभ बच्चन की फड़ का। तो एक बार थर्ड ग्रेड में जो है 2006 में यही प्रश्न आया था कि अमिताभ बच्चन की फड़ का निर्माण किसने किया, क्योंकि उस समय ये इन्होंने निर्माण किया ही था 2006 में, तो करंट के दृष्टिकोण से इसको पूछ लिया था, बाकी का ऐसा कुछ इसमें है नहीं। मारवाड़ क्षेत्र में इन्होंने इसको लोकप्रिय किया था अमिताभ की जो फड़ है इसको। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको एक जानकारी दी थी आपके राजस्थान की जो लोक चित्रकला है उसके बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था दीवारों पर बने हुए चित्र, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको जो है चर्चा किया था कपड़े पर बने हुए चित्र, इसके अलावा कागज पर बने हुए चित्र, उसके अलावा जो है आपके जो कह सकते हैं कि लकड़ी पर बने हुए चित्र। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य रूप से जो है पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप जो है हमें उत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए और भी आपको जो है हम इससे जुड़े हुए कुछ और भी आपको अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उनको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अगले दूसरे चैप्टर के साथ, और उसमें हम जो चर्चा करेंगे राजस्थान की चित्रकला की शैलियाँ। धन्यवाद दोस्तों।